वीकेंड लॉकडाउन को देखते हुए जो नॉन असेंशियल मूवमेंट्स हैं उसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली जो रिस्ट्रिक्शन है वो जारी हैं, क्योंकि फ्राइडे रात 9 बजे से लेकर ये रिस्ट्रिक्शन सुबह मंडे की जो अर्ली मॉर्निंग है 6 बजे तब तक ये रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल रहेंगी। बाजार में तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह कंप्लीट लॉकडाउन का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल जम्मू परिवर्तन की टीम हरि सिंह पार्क जो कि JDA पार्किंग के पास है वहां पर पहुंचा और वहां पर हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो कोविड है उसको यहां पर लोग भूल गए हैं। तो फिर सवाल ये भी है कि क्या चेन इस तरह से ब्रेक की जाएगी। मान लेते हैं कि अगर आप लोग आए भी हैं घरों से अपने बाहर, अगर इतना स्ट्रिक्टली जो लॉकडाउन है वो नहीं भी अगर इम्प्लीमेंट हो पा रहा, लेकिन ये जो सारी जद्दोजहद है वो इसलिए की जा रही है ताकि चेन को ब्रेक किया जाए। और चेन को ब्रेक तभी किया जा सकता है कि अगर आप भी इस चीज़ को फॉलो करें। एक व्यक्ति हैं ये कुछ कहना चाहते हैं हमारे माध्यम से, ये कुछ कहना चाहते हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम? गुरप्रीत जी, क्या कहना चाहते हैं आप? क्योंकि जम्मू परिवर्तन की टीम जब यहाँ पर पहुँची, हम भी यूँ यहाँ पर आकर हमने देखा कि चलिए हम भी पार्क में देखते हैं कि क्या कोई डेजर्टेड लुक है यहाँ पर, कोई ऐसा नज़ारा हम देखते कि जिस तरह बाज़ारों के बीच में डेजर्टेड लुक नज़र आ रही है, दुकानें बंद हैं, बाज़ार बंद हैं, तो हमने सोचा कि हम यहाँ पर आके देखते हैं। लेकिन यहाँ पर आकर हमने देखा कि नज़ारा कुछ और ही है, तो क्या कहेंगे आप? सर, मैं भी जब यहाँ से जा रहा था तो यहाँ पर देखा कि पार्क खुला हुआ है। जब अंदर आए तो अंदर आके देखा कि कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं है, यहाँ पे सैनिटाइजर नहीं है, लोगों के पास मास्क नहीं है, भीड़ पूरी जोर से है, रश पड़ा है। पार्क के जो अधिकारी हैं वो सिर्फ रसीद काटने पर बाहर लगे हुए हैं, यहाँ पे गाइडलाइन फॉलो नहीं हो रही। तो फिर क्या फ़ायदा अगर 5 दिन लोगों के कारोबार, अगर 2 दिन कारोबार बंद करवाने हैं तो यहाँ पे अगर ऐसे हालात है तो कोविड को फैलेगा ही, कम नहीं होगा। तो ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि सर आप यहाँ पे देखो, अगर लोगों की दुकानें अगर बंद करवाई हैं तो यहाँ पे भी आपने ही देखना है, ऐसे अगर हालात रहेंगे तो मुश्किल पड़ जाएगी आगे। जैसे पहले जो संभालना मुश्किल हुआ तो आगे भी संभालना ऐसे मुश्किल हो जाएगा। हम ये कहना चाहेंगे कि ये चीज़ एप्लीकेबल हर एक व्यक्ति के ऊपर है, चाहे वो एक आम आदमी है, चाहे वो कोई शॉपकीपर है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल लीडर है या कोई पॉलिटिकल पार्टी से जो है वो कंसर्न रखता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये सबके लिए एप्लीकेबल हैं। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ये भी देखने को मिलता है कि कोविड की वॉयलेशंस, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की वॉयलेशन वहाँ पर भी धड़ल्ले से होती है और शरेआम से होती है। अब इसमें कई सारे हमारे व्यूवर्स ऐसे भी होंगे जो कमेंट कर रहे होंगे कि आप यहाँ पर तो आ गए लेकिन जो पॉलिटिकल रैलीज होती हैं उसके ऊपर आप कुछ नहीं बोलते। तो मैं उनको ये बता दूं कि जब भी कोई वॉयलेशन होती है तो हम जम्मू परिवर्तन ज़रूर इसके ऊपर भी फोकस करता है, इसके ऊपर भी खबर करते हैं। यहाँ पर आप जिस तरह आए और थर्ड वेव की अगर बात की जाए तो ट्रांसमिशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। ओमिक्रॉन जो है नो डाउट रिकवरी रेट अच्छा है लेकिन ट्रांसमिशन जल्दी तेज़ी से हो रहा है। यहाँ पर ज़्यादातर हमने देखे कि बच्चे हैं और माइनर बच्चे जो हैं ऐसे तो 18 से नीचे होते हैं, लेकिन जो वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई है हमारे इंडिया के बीच में वो 15 से 18 के बीच में चलाई गई है। तो आपको लगता है कि ये जो बच्चे इस समय छोटे यहाँ पर आए हैं और पेरेंट्स उनको यहाँ पर लेकर आए हैं, वो कोविड की रडार के बीच में उनको लेकर आ गए हैं, कोई पता नहीं कि कौन सा व्यक्ति जो है वो एसिम्प्टोमेटिक है या फिर कोई पता नहीं कि कौन सा तीसरा व्यक्ति यहाँ पर पॉजिटिव है या कोरोना के सिम्टम्स हैं और ट्रांसमिशन होने के पूरे चांसेस? बिल्कुल सर, यहाँ पे कौन चेक कर रहा है कि वैक्सीन लगाई है या कोविड का टेस्ट करवाया है या नहीं करवाया? वो बाहर तो फिर रसीद काट रहे हैं, वो रसीद काटते हैं और अंदर भेज देते हैं। यहाँ पे एक एक झूले पर दो दो चार चार पाँच पाँच छः छः बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, साल दो साल, तीन चार साल, पाँच साल। तो ये तो पता नहीं अब किसकी जिम्मेवारी बनती है। हम तो गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि जैसे आप बाज़ार बंद करवाए, मार्केटें बंद करवाई, तो यहाँ पे भी आप ही देखो ये हालात ख़राब हैं। अब सवाल ये भी उठता है ना, अब आपसे मेरा एक सवाल ये है, आपके भी बच्चे होंगे, किस क्लास में पढ़ते हैं वो? बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, अभी जब से ये 3 सालों से तो बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाए हैं। तो फिर अगर स्कूल अगर बंद रखे हैं, माइनर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, अगर आती है कोई रिलैक्सेशन तो वो 10th क्लास के लिए आती है, 11th के लिए आती है, 12th के लिए आती है। आप यहाँ पर देखें कि किस तरह बच्चे जो हैं विदाउट मास्क हैं, तो क्या यहाँ से कोरोना जो है वो उसकी ट्रांसमिशन नहीं हो सकती?
बिल्कुल हो सकती है सर, ये बिल्कुल हो सकती है। ऐसे बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब लग रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट को आप देखना ही पड़ेगा। गवर्नर साहब से अपील है सर, आप खुद ही इसमें देखिए, तो ये ऐसे नहीं होगा। दो दिन दुकानें बंद करवा दोगे, बिजनेस बंद करवा दोगे, तो ये महीना महीना भी बंद करके रखोगे तो ऐसा कोई चारा नहीं है, बच नहीं सकता। कहीं ऐसा तो नहीं, कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है, या फिर जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वो कंफ्यूज है, उनको पता नहीं लग पा रहा है ग्राउंड लेवल के ऊपर हमें किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाना है, किन चीज़ों को रिलैक्सेशन देनी है, किन चीज़ों को रिस्ट्रिक्शन लगानी है। तो क्या लगता है ये कन्फ्यूजन जो है इसकी वजह से एक आम आदमी सफर हो रहा है? सर कन्फ्यूजन ही कह सकते हैं, जिम्मेवारी यहाँ पे तो आम नागरिक की भी बनती है कि ऐसे कोविड में ऐसे संभाल के जाएं और संभाल में रखें। अब पर ये अधिकारी जो यहाँ पे है ये इनकी जिम्मेवारी है, तो आइए ध्यान रखें। आगे यही अपील है कि सर देखो, आप खुद ही देखो, आके देखो। चलिए, तो एक आम आदमी हमें यहाँ पर मिले और आपको बता दें कि उन्होंने वॉलेंट्री चाहा कि वो आकर बोलें जम्मू परिवर्तन के इस प्लेटफॉर्म पर, ताकि जो कोविड है, कोविड तो हर तरफ है, लेकिन क्या जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है वो रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए ही लगी है? अगर वीकेंड लॉकडाउन है तो प्रॉपर एक चेक जो है वो गेट के ऊपर होना चाहिए कि कोई मास्क लगाकर आ रहा है, कोई सैनिटाइजर लेकर साथ में आ रहा है, क्योंकि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ये टर्म तो इस्तेमाल कर दी जाती है, क्या उसको देखना अगर एक आम आदमी भूल रहा है, चलिए मान लेते हैं आम आदमी भूल रहा है, या फिर एक कहावत याद आती है, अकल के अंधे जान के दुश्मन, वो कहावत मुझे याद आती है, लेकिन एक सिस्टम जो है वो मेन गेट पे होना भी जरूरी है। सिर्फ स्टिकर्स लगाने से कुछ नहीं होगा कि नो एंट्री विदाउट मास्क, देखना भी जरूरी है और एक प्रॉपर यहाँ पर चेक भी रखना जरूरी है, ताकि कोई व्यक्ति जो अगर वॉयलेशन कर रहा है तो उसको समझाया जाए एक बार, हो सकता है कि आपके समझाने से वो समझ जाए। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सुमिल अबरोल, जम्मू परिवर्तन के लिए।